आचार्य जी जैसे एक साधक होता है तो वो शिक्षक कब जाके बन जाता है जैसे मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर और जगह भी देखता रहता हूँ जैसे उन्नीस सौ सन्यासी है तो एक समय के बाद वो ज्ञान बांटना स्टार्ट कर देते हैं तो ज्ञान किसे देना चाहिए वो कब जाके कोई एक गुरु बनने के लायक होता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि तो प्रेम की और जिम्मेदारी की बात होती है तुम्हें कोई चीज़ नज़र आ रही है कि ठीक नहीं है तो तुम उस बारे में कुछ बोलोगे तुम्हें किसी से प्रेम है और तुम देख रहे हो गड्ढे की तरफ जा रहा है तो तुम उससे कुछ बोलोगे इसमें तुम ये थोड़ी कहोगे कि मैं अभी गुरु हूँ कि नहीं हूँ कोई सर्टिफिकेशन थोड़ी है गुरु बड़ी जिम्मेदारी की बात है ना तो सब गुरु हैं सब गुरु हैं गुरु होने के लिए ये दो बातें चाहिए अपने कर्तव्य का बोध और प्रेम में जो बेबसी आ जाती है कि कुछ करना तो पड़ेगा ही ये आदमी बर्बाद होने जा रहा है कुछ कदम तो मैं उठाना ही पड़ेगा यही दो बातें हैं और ये दोनों ना हो और तुम ज्ञान बघार रहे हो तो चप्पल खाने वाला काम है फिर कि सामने वाले से तुम्हें प्रेम भी नहीं है बोल उससे इसलिए रहे हो ताकि उस पर दबंगई झाड़ सको उसको प्रभावित कर सको हुँ? उसको वशीभूत कर सको और दूसरी बात कि जिम्मेदारी नहीं समझते हो बल्कि अवसर देख रहे हो कर्तव्य बोध नहीं है अवसरवादिता है तो फिर तो बेकार ही है जो भी तुम सलाह दे रहे हो ज्ञान बता रहे हो गुरु होना कोई विलासिता कोई लग्जरी नहीं होती मजबूरी होती है जिम्मेदारी कह रहा था ना उसी के लिए दूसरा शब्द है मजबूरी गुरु होना मजबूरी होती है अब बारिश आई कल रात बहुत जोर से ऊपर खड़ा था वो दिख रहा है कि अमरूद का पेड़ है अभी छोटा है उसमें लेकिन अमरूद लग रहे हैं उसकी वजह से उसकी डालें झुक रही हैं काफ़ी ज़्यादा तीन चार डालें हैं उन पर सब पे कई कई अमरूद हैं छोटे वो ऐसे झुक रही हैं और बहुत तेज़ हवा आ रही थी स्पष्ट हो रहा था कि झेल नहीं पाएगा संभावना इसमें पूरी है कि ये बड़ा वृक्ष भी बनेगा और संभावना पूरी है कि ये छोटे फल बड़े फल भी हो जाएंगे लेकिन अगर अभी इसको नहीं बचाया तो ये अभी टूट जाएगा तो फिर ये भाग करके गया और और भी कोई साथ में होगा राघव गए अपना उसकी डालियां गई बांधी ये है गुरु होना कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सामने जो है उसमें संभावना पूरी है लेकिन फिलहाल की स्थिति में उसको बचाया नहीं तो वो खत्म हो जाएगा तो गुरु होना मैंने इसीलिए कहा कि बेबसी का काम होता है मजबूरी होती है आपको कुछ करना पड़ेगा फिर वहाँ पर जो शब्द आता है उसे कहते हैं प्रेम है ना अब इसमें फिर आप ये थोड़ी देखोगे कि मैं कितना कुशल हूँ मैं पूरे तरीके से विशेषज्ञ हूँ अमरूदों को बांधने में या नहीं किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से मैंने अमरूद में रस्सी बांधने में डिप्लोमा लिया है कि नहीं लिया है ये सब देखोगे क्या तुम कहोगे कि मेरे पास ज्ञान और अनुभव भले ना हो लेकिन जज्बा है ना जज्बा क्या है hmm? ये नीयत है कि किसी को बचाना है तो मैं जितना कर सकता हूं उतना तो करूंगा ये गुरुता है भले ही मुझे ठीक से रस्सी बांधनी नहीं आती लेकिन जितना कर सकता हूं करूं अब मैं किसी विशेषज्ञ को ढूंढने जाऊंगा उतनी देर में तो काम तमाम हो जाएगा हवाएं तेज हैं गुरु होने के लिए ज्ञान और ये सब तो चलो ठीक है सबसे पहले क्या चाहिए नियत इरादा प्रेम बिना प्रेम के ही ज्ञान झाड़ रहे हो तो ये बड़े पाप का काम है ये फिर तुम सामने वाले को उठाने का नहीं दबाने का काम कर रहे हो कि दस लोग इकट्ठा कर लिए और उनको ज्ञान झाड़ रहे हो झाड़ रहे हो ताकि वो बेचारे और दब जाएं गिर जाएं और तुम्हें कहना शुरू कर दें आप महान हैं आप महान है ठीक है जो आगे बैठे हैं कुर्सी पर वो महान है वो महान है तुम क्या हो या उन्होंने ये सारा कार्यक्रम इसीलिए कराया है कि खुद महान बन जाएं और जो सामने हैं वो और ज्यादा दब जाएं समझ में आ रही बात तो पहली शर्त ज्ञान भी नहीं है पहली शर्त क्या है प्रेम और प्रेम बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मैं उसको कह रहा हूं कि वो एक व्यवस्था बन जाती है एक बेबसी बन जाती है आपको कुछ करना पड़ता है तो ना आपका बेटा डूब रहा है बाप को तैरना नहीं आता तो वो इंतजार थोड़ी करेगा कि कोई बढ़िया तैराक आए तब कुछ किया जाएगा तो गुरु की ऐसी बेबसी होती है बिल्कुल अपने अनुभव से बता रहा हूं कई बार तो पता भी नहीं होता कि क्या करें पर यह पता होता है कुछ करा नहीं तो ये तो गया तो फिर आप कुछ करते हो जो बन पड़ता है करते हो जो करते हो वो आधा तिहा होता है पूर्ण नहीं होता दोषयुक्त तो भी होता है पर आपको करना पड़ेगा ना नहीं तो वो तो गया सामने डूब गया अभी जब किताबें वगैरह नई छप रही हैं तो मैं इनको बोला करता हूँ मैं कहता हूँ 2015-16 के बाद के लेख रखो उसमें पहले के मत रखो क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आने के बाद और इधर उधर के शहरों में घूमने के बाद विदेशों में घूम आने के बाद जो मुझे अनुभव हुए हैं वो 2015 के बाद के लेखों में ज्यादा स्पष्ट हैं हालांकि ज़्यादा शुद्ध बात मैंने पहले करी है तो मगर 2012-13 का कोई लेख या वीडियो देखोगे तो, तो उसमें जो बात है वो ज़्यादा शास्त्रीय है ज्यादा शुद्ध है लेकिन ज़्यादा उपयोगी वही बात है जो 2018-19 में हुई होगी पहले भी कर रहा था जितना समझ में आता था कर रहा था क्योंकि मजबूरी है ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जो चल रहा है उसको वैसे नहीं छोड़ सकते बीमार को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकते तो भले ही तुम जो उसकी मदद करने जा रहे हो तुमको पता है कि वो मदद काफ़ी नहीं होगी या वो मदद उल्टी भी पड़ सकती है लेकिन फिर भी तुम कुछ तो करोगे ना अपनी ओर से जिस किसी को भी दूसरे की मदद करने का भाव उठे वो ये प्रश्न अपने आप से ज़रूर पूछ ले मदद मैं उसकी कर रहा हूँ या मूल्य में अपना बढ़ाना चाहता हूँ ये बहुत ज़रूरी सवाल है मेरी रुचि वाकई दूसरे की मदद करने में है या अपना ओहदा ऊंचा करने में है अगर दूसरे की मदद करने में रुचि है आगे बढ़ो इसी को गुरुता कहते हैं नहीं तो आगे मत बढ़ो Hmm?